Now, children, let's move on to chapter number 48, and the name is About Inventors. Let's start with the quiz questions. So, here some quiz questions are given. Name the inventors. Inventors ke aapko naam batane hain. And take help from the need help box. Or need help box mein se aapko help leni hai. So, ye the first one is, he worked as a laboratory assistant. Ye jo person hai, inhone ek laboratory assistant ke naam pe work kiya tha. For the inventor of a safety lamp, Humphrey Davy, and went on to become more famous than his mentor. और इन्होंने इन चीज़ों का आविष्कार किया था और इनके जो मेंटर थे, जो इनके गुरु थे, उससे भी ज़्यादा ये फेमस हो गए. फॉर हिज वर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो काम था ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था. नेम द साइंटिस्ट. सो द नेम इज माइकल फैराडे. नेक्स्ट सेकेंड वन इज बेटर नोन एज एन ऑथर. इन्हें एक ऑथर के रूप में जाना जाता है. ही पेटेंटेड 3 इन्वेंशंस ऑफ हिज ओन. इन्होंने अपने खुद के 3 इन्वेंशंस को पेटेंट करवाया था. द मोस्ट फेमस बीइंग द सेल्फ पेस्टिंग स्क्रैप बुक. तो उन्होंने जो इन्वेंट किया था वो था सेल्फ पेस्टिंग स्क्रैप बुक. नेम द ऑथर और द इन्वेंटर. सो द नेम इज सैमुअल क्लेमेंस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ही इन्वेंटेड द मल्टीप्लेन कैमरा इन 1936 में इन्होंने मल्टीप्लेन कैमरा इन्वेंट किया था. And the name is Walt Disney. Now the fourth one is, shortly after the end of World War II, Percy Spencer was touring one of his laboratory. तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद की बात है. पर्सी स्पेंसर अपने एक लेबोरेटरी में घूम रहे थे. When he stopped momentarily in front of the power tube that drives a radar set. तो अचानक से वो क्या हुआ, एक पावर ट्यूब था, उसके सामने आके रुक गए. और वो क्या कर रहा था, वो रडार सेट को ड्राइव कर रहा था. स्पेंसर नोटिस दैट द चॉकलेट बार इन हिज पॉकेट हैड बिगन टू मेल्ट. उनके पॉकेट में एक चॉकलेट रखी हुई थी जो धीरे धीरे मेल्ट कर रही थी उस रडार की वजह से. दिस लेड हिम टू इन्वेंट वॉट. इसकी वजह से उन्होंने क्या इन्वेंट किया, उन्होंने इन्वेंट किया माइक्रोवेव ओवन. तो आपको पता चला ना कैसे माइक्रोवेव ओवन एग्जिस्टेंस में आया. Now children, let's move on to the fifth one. He studied the circulation of blood and the action of the eyes. इन्होंने ब्लड का जो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है उसके बारे में पढ़ा है और हमारे आईज के जो एक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ा है. He is believed to have invented the underwater diving suit. ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने underwater diving suit भी invent किया था. Hydrometer and scissors among many others. इसके अलावा इन्होंने hydrometers और scissors को भी invent किया था. He is better known as a painter. इन्हें एक painter भी के नाम से जाना जाता है. And he is Leonardo da Vinci. Now sixth one, the 1879 Nobel Prize winner for medicine Sir Godfrey Hounsfield and Alan Cormack were neither doctors nor psychologists. तो यहाँ पे 1879 में नोबल प्राइज मिला था मेडिसिन में सर गॉडफ्रेड होल्सफील्ड को और एलन कॉर्मैक को, जो कि डॉक्टर्स नहीं थे ना कि साइकोलॉजिस्ट थे. फॉर व्हाट डिड दे विन द प्राइज. तो उन्हें ये प्राइज मेडिसिन में क्यों मिला. उन्हें मिला क्योंकि दे इन्वेंटेड सीटी स्कैन उन्होंने जो है डेवलप किया था. Now seventh one, in an attempt to help himself as his weakening eyesight. तो अपने आप को अपनी कमज़ोर होती आँखों में हेल्प करते करते he created the first pair of bifocal glasses. इन्होंने पहले पेयर bifocal glasses invent किए. What is his name? Find out from the need help box and write it here children. Now eighth one, what invention of David Clenmar is of great help to TV commentators. तो डेविड क्लेनमार्क का कौन सा ऐसा इन्वेंशन है जो टीवी कमेंटेटर्स को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है उनके लिए. सो राइट इट हियर. नाउ नाइन्थ वन, नेम द वेल नोन एडवेंचरर. ये एक वेल नोन एडवेंचरर है नोन फॉर हिज फिल्म्स अबाउट द मिस्ट्री ऑफ द डीप सी. इनकी जो फिल्म है उसमें से एक है मिस्ट्री अबाउट द डीप सी.
हु इन्वेंटेड द एक्वालंग, जिन्होंने एक्वालंग को इन्वेंट किया था, अ पोर्टेबल अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। तो इससे क्या हो सकता है, इसे आप लगा के पानी के अंदर भी ब्रीद कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो इन्होंने एक्वालंग को क्या किया था, इन्वेंट किया था। वॉट इज हिज नेम चिल्ड्रेन, फाइंड आउट एंड राइट इट हियर।